मत कर यार। अब बारी है दीक्षा को सरप्राइज देने की। ऐसी रिंग मुझे लाइफ में कभी नहीं मिली है। कलेश हो गया, कलेश बर्थडे वाले दिन ये क्या हो गया गाइस? खतरों के खिलाड़ी दीक्षा का बर्थडे है और हम जा रहे हैं मतलब मेरी बहन के घर नेक्स्ट बिल्डिंग में लंच के लिए। वहाँ दीक्षा भी होगी तो दीक्षा के लिए लंच रखा है। मनीषा से कहूँगी लाइट बंद कर दे। चलो चलिए जी, हम आ गए हैं घर पे और खाना चालू हो चुका है लेकिन बर्थडे गर्ल अभी तक नहीं आई है, इसीलिए मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी बर्थडे गर्ल से पहले। कुत्ता भी नहीं दिखाऊंगी, भोंक रहा है जो। और मैं बता दूं कि बर्थडे गर्ल आजकल हमारी बीमार चल रही है, मतलब उसको कोल्ड वोल्ड बहुत हुआ है। जैसे ही बर्थडे गर्ल आती है तो आपको मिलवाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक सरप्राइज दीक्षा के लिए, लेकिन आप लोगों से शेयर करूंगी मैं उसी के साथ। तो गोला यहाँ पर कौओं को खाना खिला रहा है। क्या खा रहा है कौआ? क्या कर रहा है? खाना खा रहा है वो तो। उसको तो उसको भूखा है वो। हाथ से दिया। खा लिया। अब खाना देना। अब इसको दो। अरे वाह, गोले के फ्रेंड्स है कौए। ओए तेरी तो। ऊपर ऊपर उधर। अच्छा बाबू उधर रख दो। आ गए। वो आगे नीचे, वो देखो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा नहीं, क्या आप क्या दो? हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे दीक्षा। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे दीक्षा। बस इससे आगे जाने की कोशिश मत करना। सो आज बर्थडे गर्ल थोड़ी सी बीमार है, इसीलिए एक छोटा सा ही। ओह नो, मत कीजिए। ये क्या किया तूने? गुलिया, ए गुलिया, गुलिया के यहाँ क्या लड़ा? इतना छोटा केक और इतना मोटे इंसान ने ऑर्डर किया क्यों? 500 ग्राम्स है तो क्या हुआ? हम जो 2100 ग्राम्स आए लोग, बीमार को मद्देनजर रखते हुए छोटा सा ही केक काट रहे हैं। और केक का फ्लेवर बताएंगे आप? जल्दी बोल, पिक्चर खत्म हो जाएगी। क्या नानी का थोड़ा सा। मुझे लगा इशू का गई। हर्ष फिर केक खा रहे भर के। ये केक मम्मी ने भी हमला किया। अच्छा, वीडियो में बच्चे को दे दिया फिर। पुष्पा राज।
अब मेरी बहन चाहती है कि हम उसके घर से चले जाएं, वो थक चुकी है। Oh no! So guys, अब बारी है दीक्षा को सरप्राइज देने की, यानी कि उसका गिफ्ट देने की। क्या दे रहे हो गिफ्ट? हाँ, आँख बंद कर, उंगली आगे कर। दीक्षा को ड्रिंक दे रही हूँ मैं, आँख बंद रखी। ये वाले मैं पहना दूँ? हाँ पहना दो। खोल लो आँखें, खोल ले। मुझे लगा सच में गुड टाइम। ये मैंने अभी कोक खोली थी उसका। देखियो मेरी रिंग ये कुछ अलग है। दी रात को ये गिफ्ट लाई है तू मेरे बच्चे के लिए? अरे मैं कुछ अलग कुछ ऐसी चीज लाते हैं जिसमें बच्चे की ग्रोथ हो। बहुत अच्छा, ऐसी रिंग मुझे लाइफ में कभी नहीं मिली है। ये तालियां। ये वो बच्चे हैं जो दूसरों की बारात में बहुत नाचते हैं, जो जिनको कहने आते हैं कि भाई इनको ले जाओ ना, घोड़ी के आगे आ रहा है। तो गाइस मैंने दीक्षा को बहुत ही महंगा और अद्भुत गिफ्ट दिया है, दीक्षा याद करेगी। सास मेरी हमेशा टिप टॉप रहती है, ससुर जी का बेचारे का ये हाल हुआ हुआ है। विनोद, हम तुमसे ज्यादा गरीब हैं। हेलो, हम तुमसे ज्यादा गरीब हैं। आंटी खुली जरा, आंटी की किट्टी थी ना इसलिए किट्टी पार्टी से आई थी। आ रही आदमी लोग का किट्टा नहीं होता है? आदमी लोग का किट्टा हो ना किट्टी की जगह। आपका है कुछ? A few moments later. चलिए जी, खा के निकल गए हम बर्थडे का लंच। बड़ा अच्छा लगा, बड़े दिनों बाद खुल के खाया ऐसा। और जब सबके साथ खाओ तो और ही मजा आता है। अब हम सब अपने घर जाके सोएंगे, है ना? ससुर जी तो शायद कंबल में घुस भी गए होंगे, पहले निकल गए थे। आओ दोस्तों, बोले सुंदर लड़की देखी थी, सुंदर लड़की। अच्छा दादी कैसी लग रही है? दादी कैसी लग रही है? सुंदर लग रही है। आज बर्थडे दीक्षा का है, लेकिन गिफ्ट गोले के लिए आया है। गोले रुक जाओ, खोल रहा मुन्ना भैया। नहीं मुन्ना, नहीं मुन्ना, कह दे के ये झूठ है। ओह गॉड यार, ओह गॉड। अभी और भी है? गोले कैसा लग रहा है? खोलो। हाँ आप भी खोलते हैं। दीदी क्या कर रही हूँ? Oh no! कुछ नहीं, बस इसको। कहाँ लेके जा रही हूँ आधे? ये मैं हटा रही हूँ। क्यों? तो बाद में रोएगा कि ये बोलेगा तब भी ये निकल के तुम्हें। तुम हमारी मदद करोगी इस मिशन में? हाँ चलो चलो, ये चालू कर रहे हैं वो। क्या गु गु गु? क्या गु गु? दीदी कहता गु गु गु, ये कैसी आवाज होती गाड़ी की? अरे इसमें क्या होगा? टाइट होगा। किसमें टाइट होगा? पता नहीं क्या बनेगा ये बड़ा होके मैकेनिक। खतरो के खिलाड़ी। वाह, छोटा लिम्बाचिया गाड़ी चला रहा है। ओ पैर भी आगे रखे हुए। दीदी इधर देखो, रूपा दीदी, देखो वाह, रूपा दीदी इधर देखो यार। ओ भाई ये तो तेज हो गया। हाँ स्मार्ट है। ओए भाई, फूल और कांटे का अजय देवगन। ओ घुमाओ इधर अंदर की तरफ। बाप रे। पैर ऊपर रखो ना बेटा, पैर ऊपर रखो, पैर ऊपर रखो। हाँ अब घुमाओ। ओ मैंने प्यार तू, घुमाओ 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 बेटा, मैंने पूरा गाना बोलना है। क्या मुन्ना, क्या यार इतना अच्छा मुन्ना बोल रहा है। एक चीज मुन्ना बता क्या कह रहा है। ये डंडीस के लिए ना, अच्छा डंडीस के लिए। कौन सी बीमारी है ये? है दीदी को कब से समझा रहा, और दीदी को समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है। दीदी डोंडिस क्या है?
जॉन्डिस बोलना है जॉन्डिस को मुन्ना जॉन्डिस बोल जॉन्डिस तो डोंडिस के किसने कहा डोंडिस नहीं मुन्ना उड़ीसा में डोंडिस थोड़ी जॉन्डिस ही होता होगा गाइस मुन्ना कहता है कि ये चूसो या फिर गन्ने का रस पियो तो डोंडिस ठीक हो जाता है है वो रहेगा ना वो पीला पीला निकल जाएगा क्या करने में चबाने में चुबाने में चुभा लोग सुन के ना ऐसा एक दूसरे को चुभाने लगेंगे वैसे तो ये बात बड़ी बेशर्मी वाली है बट मन किया बैठने का दोस्तों तो मैं इजीली बैठ गई इसमें ओह नो छोटी बच्ची हो क्या दिल्ली के खिलौने वाले वाह और अभिनव जैन जी थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे टॉयज गोले के लिए भिजवाने के लिए गोला बिजी हो गया है और हमें थोड़ा काम करने का मौका मिलेगा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर आपको अपने बच्चों के लिए खिलौने ऑर्डर करने हैं तो आप भी ऑर्डर कर लेना और अपने ही बच्चों को ऐसे बिजी कीजिए वाह आप लोग अगर दिल्ली में हो तो भाई इनके खिलौने तो आप पक्का इनके खिलौनों से खेले होंगे थैंक यू बस जी बड़ा ही प्यारा खुशी हो बड़ा दिन था लेकिन मैं थोड़ी सैड हूँ क्योंकि दीक्षा की तबीयत ख़राब है और थोड़ा मौसम भी चेंज हो रहा है बारिश हो रही धूप निकल रही है तो सबके गले वले ख़राब है लेकिन वो है भी तो सुकड़ी सी ना पता नहीं मैं उसको कभी उसके मुंह पे कह पाऊँगी कि नहीं बट मैं व्लॉग के ज़रिए कहना चाहती हूँ दीक्षा आई लव यू मैं और हर्ष तुमसे बहुत प्यार करते हैं हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम हमारी ही बेटी हो क्योंकि जिस तरह तुम मेरे हर्ष के बारे में गोले के बारे में कंपनी के बारे में सोचती हो हमारे काम के बारे में सोचती हो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना सोच सकता है हमारे लिए देखा जाए तो ये हमारी बेटी भी है और माँ भी है क्योंकि माँ की तरह हर चीज़ में प्रोटेक्ट करती है हमें हमारा ध्यान रखती है और बेटी की तरह अपनी कंपनी का ध्यान रखती है सो थैंक यू दीक्षा थैंक यू सो मच और एक और बात मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि छोटे से लेके अब तक 2.25 साल का गोला होने लगा है जितना मैं ध्यान रखती हूँ मेरे से 100 टाइम ज़्यादा दीक्षा ध्यान रखती है क्योंकि रूपा दीदी बोलती है दीदी अब तो कुछ बोलते ही नहीं हो रूप जब दीक्षा होती है पास में ध्यान से देखो कॉर्नर ना लग जाए इसने मुंह में क्या डाल लिया इसका ये पोछो उसका वो पोछो मतलब एक माँ ही वैसा कर सकती है मैं थोड़ी केयरलेस वाली माँ हूँ मेरे को होता है चलो गिरते पिरते बड़े हों बट दीक्षा बहुत है यार दीक्षा थैंक यू सो मच अपने भाई को इतना प्यार देने के लिए और हमेशा खुश रहो हेल्दी रहो और हमारे साथ रहो तुम्हें बहुत अच्छा लड़का मिलेगा जैसे कि तुम्हें वो अच्छा लगता है ना रोहित श्राफ हाँ गाइज रोहित ने दीक्षा के लिए एक वीडियो भेजा मैंने बोला दीक्षा का बर्थडे है वीडियो भेजना आप ये व्लॉग ख़त्म होने के बाद वीडियो ज़रूर देखना थैंक यू रोहित और थैंक यू दीक्षा लॉट्स ऑफ लव और बस व्लॉग को एंड करती हूँ जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए दीक्षा थोड़ी खड़ूस खुश्क है लेकिन दिल की उतनी ही मोम है कंपनी में या घर में जितने भी हाउस हेल्प है कभी किसी को प्रॉब्लम पड़ती है हमें पता भी नहीं होता दीक्षा कर भी देती है सॉल्व दीक्षा हमारी हुक्म का इक्का है बाय हाय दीक्षा It's unfortunate that I cannot be there with you to celebrate you, but the least I can do is send you my best wishes. So here's me wishing you a very, very, very happy birthday. I hope this year turns out to be the best one year, and I hope that you get everything that your heart has ever desired. All the very best, and here's me sending you loads of love.